पाकिस्तान के वजीरे आलम भ्रष्टाचार के आरोपों से दो चार हो रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे नवाज मियां ने अपने बचाव में एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद पूरा पाकिस्तान इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहा होगा कि नवाज का एहसान माने या फिर उन पर आरोप लगाएं। बुधवार को नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान की चिंता न होती तो 1998 में अमेरिका से 5 अरब डॉलर की घूस ले चुका होता। भारत के एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा, 1998 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुझे परमाणु परीक्षण ना करने के एवज में 5 अरब डॉलर देने का ऑफर दिया था। अगर मैं ईमानदार नहीं होता, 5 अरब डॉलर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता। पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश की किसी और चीज पर गर्व हो या ना हो, उन्हें अपने न्यूक्लियर बम पर बहुत गर्व है। पाकिस्तान जब देखो भारत को परमाणु बम की धमकी दे देता है। रैली में नवाज ने जो कहा उसका मतलब निकालें तो यही निकलता है कि जिस न्यूक्लियर बम के दम पर पूरा पाकिस्तान उछलता है, अगर मैं रिश्वत लेकर उसका टेस्ट ना करता तो फिर आप भारत को धमकी कैसे देते। नवाज ने जो बात रैली में कही पता नहीं कितनी सच है, लेकिन इसे कहकर उन्होंने ईमानदारी का सुरक्षा कवच तो बना ही दिया है, क्योंकि बात न्यूक्लियर बम की है और पाकिस्तान के पास यही सबसे बड़ी चीज है। फिर भी ये देखना तो दिलचस्प रहेगा कि मियां नवाज का ये दांव उन्हें कितना लाभ पहुंचा पाता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।